विजन गोविंदा गुप्ता और मैं आज एक दो पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा पिनाइल इम्प्लांट कराने से पहले। पहला, पिनाइल इम्प्लांट कराने से पहले हमेशा ये जान ले, ये कंफर्म कर ले कि आपको इम्प्लांट की ज़रूरत है भी या नहीं। कई बार किसी ना किसी कारण से, हमारे घर की टेंशनों से, शादी की डेट फिक्स होने से, या मन में वहम से, हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं इम्प्लांट कराने का। तो हमारे क्लिनिक पर हमेशा रूल है कि हम फर्स्ट टाइम में किसी को भी इम्प्लांट की डेट देते ही नहीं है। पेशेंट आते हैं तो पहले कंफर्म करते हैं कि उसको ईडी है भी नहीं है, दवाइयाँ ट्राई करते हैं और फेल होने के बाद ही उनका इम्प्लांट कराते हैं। और दूसरा, अगर आपको पिनाइल इम्प्लांट कराना है तो अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ या फैमिली से, किसी से सलाह करें। कभी भी अकेले डिसीजन ना लें, क्योंकि ये डिसीजन लाइफ लॉन्ग के हैं। इसमें कोई साथी या कोई सपोर्ट सिस्टम होने से आपका ही फायदा है। आज का इम्प्लांट रिव्यू एक और है। डॉक्टर ये राहुल हमारा जो इम्प्लांट असिस्टेंट है, जो हमारे इम्प्लांट के मरीज मैनेज करता है, वही ये इंटरव्यू लेगा। इस इंटरव्यू में देखने वाली बात यह है कि इस पेशेंट की हमने दवाइयाँ भी ट्राई करी और इस पेशेंट ने अपनी वाइफ से और अपने फादर से डिस्कस करने के बाद कॉन्फिडेंटली अपनी सर्जरी कराई है, ये समझते हुए कि इम्प्लांट उसके लिए आखिरी ऑप्शन है। और क्योंकि उसके लिए आखिरी ऑप्शन है तो ये पेशेंट की सर्जरी भी अच्छी होगी, और क्योंकि ये पेशेंट मेंटली भी बहुत काम है, बहुत कंपोज है, तो यह सर्जरी के बाद रिकवरी हीलिंग के लिए भी हमेशा अच्छा रहेगा। तो आज हमारे राहुल एक और पिनाइल इम्प्लांट का रिव्यू आप लोगों से शेयर करेंगे। इम्प्लांट के रिव्यूज़, देखो मेरे को पता है कि इम्प्लांट के रिव्यूज़ फेक हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने किसी मरीज को ना बिठा रखा, किसी को बिठा रखा हो। बहुत बड़ा ट्रोल्स है, पेशेंट्स बोलते हैं सर रिव्यू का क्या फ़ायदा है, पेनिस दिखा दो, पेनिस दिखा दो। पेनिस देखने हैं तो क्लिनिक पे आओ, क्लिनिक पे हज़ारों पेनिसेस है, हज़ारों इम्प्लांट्स हैं। मरीज से, इम्प्लांट के मरीज से बैठ के बात करके जाओ। राहुल, मैं डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता असिस्टेंट, आज फिर मैं आपके सामने इंडियन मेडिकल पिनाइल इम्प्लांट पेशेंट को लेकर आया हूँ, जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। काफ़ी दुविधा में थे वो, उनकी किराने की एक दुकान थी, उन्होंने दुकान को गिरवी रखकर इंडियन मेडिकल इम्प्लांट कराया डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता के पास। तो आज हम जानेंगे इस बारे में कि उनको किस किस चीज़ की दुविधा थी। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानूंगा कि आप मुजफ्फरपुर से दिल्ली आए डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता के पास सर्जरी कराने, तो यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा? ये हमें इरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम था और हम बहुत दवा हुआ खाए थे आयुर्वेदिक एलोपैथिक, जिससे हमको फ़ायदा नहीं हुआ। तो सर का मैंने वीडियो देखा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे इलाज है, तो फिर मैंने दिल्ली आया और सर से मैंने बात की। तो सर पहले घबराए कि ये भी दवा खाओ, दवा से ठीक हो जाए। मैंने दवा खाया और दवा मैंने खाया, थोड़ा फर्क हुआ, फिर उसके बाद में वही हाल था जो पहले जैसा था। तो फिर मैंने कहा कि सर दवा का कोई फर्क नहीं है, इससे हमें इम्प्लांट की जरूरत है। तो सर बोले कि अपने घर वालों से पूछ लो। घर वाले से मैंने पूछा तो घर वालों ने बताया कि अगर ये इलाज है और तो जिसे आदमी और ठीक हो जाए तो इम्प्लांट करना बहुत ज़रूरी है। तो घर वाले ने बताया ठीक है, तो मैंने सर को बोला और सर ने इम्प्लांट को ये हमको कहा कि इम्प्लांट करवा। तो सर, आपको ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन कब से था? जी, पिछले 7-8 महीना से हमको पिछले 7-8 महीना से इरेक्टाइल डिसफंक्शन था और हम काफ़ी परेशान हो गए हुए थे और हमें प्रॉपर इलाज जल्दी नहीं मिला था इधर उधर से। तो फिर मैंने दिल्ली आकर के अपना इलाज ढूंढा। हाँ, जैसे कि आप अभी यंग एज है, आपकी 24 एज है और आपने जैसे बताया था कि आपकी शादी होने वाली है, तो अभी कब आपकी शादी होने वाली है, कितना टाइम है आपकी शादी में? जी, अभी मेरे शादी में अभी 1 महीना बाकी रह चुका है और मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तो देखा दवाइयाँ सूट भी नहीं कर रही है, तो हमें अब इम्प्लांट भी लगवाना है। तो फिर मैंने अपना बात किया और अपने बीवी से भी अलग से कंसल्ट किया। उसने बोला कि अगर ठीक है, शादी में रंगीच आ गया है, तो आपको इम्प्लांट करा लेना चाहिए। अगर इसमें संतुष्टि है तो ठीक है, आपको इम्प्लांट बहुत जरूर अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे आपकी सर्जरी हुई, सर्जरी में आपको कितनी देर की सर्जरी थी और सर्जरी के बाद आपको कैसा लगा, दर्द हुआ नहीं हुआ, या पेशाब आपको ठीक से हो गया, स्टूल आपने ठीक से पास कर लिए, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी, सर्जरी में हमको थोड़ा भी पेन नहीं हुआ और सर्जरी 20 से 25 मिनट का था और उसके बाद से सर्जरी के दिन ही 4-5 घंटा हमको थोड़ा मतलब कि दिक्कत हुआ था दर्द में। उसके सुबह से हमको थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ और फिर उसके बाद से हम चलना फिरना स्टार्ट कर दिए हुए थे और बाकी दूसरे दिन से हमको कुछ लगा भी नहीं कि अब हमें मेरा अंदर कुछ है और उसके बाद से हम आराम से चल रहे हैं। अच्छा, जैसे आपको इंडियन मेडिकल इम्प्लांट कराया है डॉक्टर ने, आपके लिए लाइफ में
इरेक्शन आ गया है लाइफ टाइम के लिए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपकी हार्डनेस, आपको साइज को लेके क्या कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है इसको लेकर आपको? इंडियन मैनुअल बहुत अच्छा है, इंडिया का है और हम लोग इंडिया में रहते भी हैं और रेट भी बहुत कम है, जिसे सर भी और कुछ कम भी किए हुए थे और इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्ड इरेक्शन भी है इसमें, और इसमें कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा साइज भी है, इरेक्शन से भी बेहतर है और लिंग भी काफ़ी हार्ड भी हो गया हुआ है, जिसे कोई दिक्कत नहीं है कि आगे हम भी इस वक्त भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपकी सर्जरी हुई तो मैं जानना चाहूँगा सर्जरी में आपको कितने टाँके लगे हैं? जी लगभग 4 से 5 टाँके सर्जरी में हमको लगा हुआ। अच्छा, थोड़ा भी पेन वेन नहीं है, वही दूसरे ही दिन से अपना ठीक हो गया। अच्छा, तो मोस्टली मैं